आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि H2O2 जिसे दोस्तों हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के तौर पर जानते हैं, यहाँ पर बोला गया कि H2O2 की संरचना क्या होती है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछी गई, यहाँ पर हमें इसकी संरचना पूछी गई है। ठीक है, कि ये जो हमारा H2O2 है, H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के तौर पर जानते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड के तौर पर जानते हैं। इसकी जो संरचना है वो किस तरह से होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसकी जो संरचना है ये हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों हमारी ठोस अवस्था वाली संरचना, एक होती है हमारी कौन सी, गैस अवस्था वाली संरचना। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गैसीय संरचना को देखते हैं। ठीक है, कि जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसकी गैसीय संरचना किस तरह से होगी। इसके पश्चात हम यहाँ पर जो है इसकी ठोस संरचना देखेंगे। ठीक है, ठोस संरचना देखेंगे। अब हम सबसे पहले गैसीय संरचना को देख रहे हैं। तो इस संरचना में क्या होता है दोस्तों, इस संरचना में यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा दूसरे ऑक्सीजन से, और यहाँ पर हमारे क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोजन होता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो इस तरह से एकल बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस गैसीय संरचना में हमारा जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा बीच है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसके बीच में जो हमारा कोण होता है दोस्तों वो कितना होता है, 94.8 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं इस एंगल की, ठीक है, ये जो हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे इस तरह से संरचना के रूप में दिखाऊं, ठीक है, डॉटेड के रूप में, हम इसे इस तरह से खुली किताब के तौर पर संरचना में यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ये हो गई हमारी संरचना। ठीक है, ये जो हमारी संरचना है, ठीक है, इस संरचना को मैं पूर्ण रूप से यहां पर बना लेता हूं इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पर ये वाला जो हमारा एंगल है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इस एंगल का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 111.5 डिग्री का। ठीक है, और ये जो हमारी बंद लंबाई है, ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंद लंबाई है वो कितना होता है, 95 पेकोमीटर। ठीक है, 95 पेकोमीटर। इसी तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंद लंबाई हो कितनी होती है, 147.4 पेकोमीटर। ये हमने बना ली गैसीय संरचना, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो इसकी ठोस वाली संरचना बनाते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसी तरह से हमारी संरचना, हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से, और यहाँ पर एकल बंध के द्वारा दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, अब हम इस तरह से डॉटेड संरचना के तौर पर हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई हमारी संरचना। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई हमारी संरचना। अब ये जो हमारी ठोस संरचना है दोस्तों, इसमें जो हमारा एंगल है, ठीक है, हमारा जो कोण है वो क्या होता है, अलग होता है। कितना होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये वाला जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये कोण कितने का होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 101.9 डिग्री का। यहाँ पर हमारा कितना था गैसीय संरचना में, 94 का था। ठीक है, यह वाला एंगल कितने का होता है, ये एंगल होता है 90.2 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंद लंबाई की बात करूं तो यहाँ पर कितना होता है, 98.8 पेकोमीटर होता है बंद लंबाई, और ये वाला जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंद लंबाई होती है वो कितनी होती है, 145.8 पेकोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ठोस संरचना, ये हो गई हमारी गैसीय संरचना, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।